सबको पता है आप लोगों की गाड़ी किधर जा रही है, कुंडलपुर। महाराज को भी वहीं पहुंचना है, पर हमें थोड़ा पहले पहुंचना है। कुंडलपुर महामहोत्सव का, कुंडलपुर में जो एक महामहोत्सव होना है, परम पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में ये पहला महामहोत्सव होगा और ऐतिहासिक महामहोत्सव होगा। हमारी गुरु परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए और गुरुवर की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक महाअनुष्ठान वहाँ होगा। महाराज कब होगा, बड़ी चर्चा है। बंधुओं, कल दिन भर की आपसी विचार विमर्श के बाद संघ के बड़े महाराज पूज्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज और सुधासागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज, सभी निर्यापक मुनियों के साथ चर्चा, अभय सागर जी, संभव सागर जी, अन्य प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, सब उसमें शामिल थे। नियम सागर जी, सब इन सब से आपस में विमर्श करने के उपरांत और अन्य संघस्थ मुनिजनों से विमर्श करने के उपरांत ये सुनिश्चित हुआ है कि आगामी 16 अप्रैल को महामहोत्सव होगा। ये 16 अप्रैल की तारीख पक्की है और यही अधिकृत तारीख है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना। मैंने आप लोगों से कहा था जो भी तिथि होगी इसी मंच से घोषित होगी। आज सुधासागर जी भी महाराज भी घोषित करेंगे। तो ये जो भी समाचार और सूचनाएं हैं जो इन मंचों से हो उसे अधिकृत माने, नहीं तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अब इसको फैलाओ, इसमें कोई बाधा नहीं। और उसकी क्या रूपरेखा होगी बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूं, गुरुदेव के परोक्ष में इस महाअनुष्ठान को, इस महामहोत्सव को वह रूप देना है जिसे देखकर गुरुदेव को भी लगे कि आज हमारे द्वारा बोया गया बीज लहलहा रहा है। उनकी विरासत यावत चंद दिवाकर सुरक्षित रहेगी। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ हमें इस कार्य को संपन्न कराना है। तो हम लोग उसी लिए, कल तो गाड़ी अटक गई नमीनाथ भगवान की कृपा से छूटते हुए, लेकिन अब ना आप रोक पाएंगे ना हम लोग रुकेंगे।